हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे, प्रगति इंस्टीट्यूट सरकंडा बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम CGPSC मेंस के पेपर नंबर 6 में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत वेद और उपनिषद टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक न सिर्फ CGPSC मेंस अपितु CGPSC प्री और व्यापम के अंतर्गत इतिहास के अंतर्गत भी शामिल किया जा सकता है। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सूचना देना चाहूँगा कि जैसा कि आप सबको विदित है कि यह कोरोना महामारी का संकट का दौर चल रहा है और इस स्थिति में यह लॉकडाउन का तीसरा फेज है। लॉकडाउन के स्थिति के कारण प्रगति इंस्टीट्यूट के निवेदन पर मेरे द्वारा यह वीडियो विशुद्ध रूप से प्रतियोगियों के लिए उनके इस लॉकडाउन में प्रिपरेशन को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है, ताकि मैं या मेरे सर पास जो भी इससे जुड़ा हुआ अनुभव है मैं आप सभी से शेयर कर सकूं, साझा कर सकूं। तो दोस्तों, हम फिर वापस अपने टॉपिक की ओर आते हैं। वेद और उपनिषद CGPSC मेंस के पेपर नंबर 6 में है, परंतु वेद और उपनिषद के अंतर्गत जो मेंस के सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है वह है ब्रह्मा, आत्मा और रीत। इन तीनों विषय पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, परंतु हम शुरू करेंगे वेद और उपनिषद से कि वेद क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके अध्ययन की आवश्यकता क्या है और वेद के जुड़े हुए अन्य पहलुओं पर, साथ ही साथ वेद के साथ उपनिषद क्या है, उसका दर्शन क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। मोटे तौर पर यदि मैं कहूँ तो आज हम दो टॉपिक पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक है वेद का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ वेदास, और दूसरा टॉपिक जिस पर चर्चा करने वाले हैं वह है उपनिषद का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद। उपनिषद के दर्शन को समझने से पहले हम वेद के दर्शन को समझते हैं, और वेद के दर्शन को मैं निम्न बिंदुओं पर आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम वेद का परिचय, इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं। वेद एक प्रकार का साहित्य है, यूं कहूं कि यह सबसे प्राचीनतम साहित्य है। वेद न सिर्फ भारत अपितु विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य है, जो प्राचीनतम मनुष्य के विचारों को, धर्म को और दर्शन को हमें बताता है। वेद को डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने परिभाषित करते हुए कहा है कि वेद मानव मन के अंतर्गत प्रादुर्भूत एक आदिम प्रामाणिक ग्रंथ है जिसे हम अपना निधि समझते हैं। अर्थात वेद वह प्रामाणिक ग्रंथ है जो प्राचीन मानव के मन में जो भावनाएं थी उसे हमें प्रदर्शित करता है, जिसे हम अपने हिंदू धर्म के निधि के रूप में जानते हैं। वेद के परिचय के उपरांत यदि मैं वेद के शाब्दिक अर्थ पर बात करूं, तो वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से होता है। विद धातु का अर्थ है ज्ञान, अर्थात जानना। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या जानना। वेद को ज्ञान का सर्वोच्च साधन माना गया है। वेद को शाश्वत, नित्य और अपरुषेय की संज्ञा दी गई है। वेद को अपौरुषेय कहा गया है, साथ ही इसे नित्य और शाश्वत भी कहा गया है।
अपुरुषे एक जो शब्द है इसकी व्याख्या करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपुरुषे का मतलब है जो मानव शक्ति और सामर्थ्य से परे हो, मानव शक्ति और सामर्थ्य से परे हो। वेद के संबंध में अपुरुषेयवाद के जो समर्थक हैं उनका मानना है कि वेद का कोई रचयिता नहीं है, वेद की रचना न ही मानव के द्वारा की गई है और न ही किसी प्रकार के देवी शक्ति के द्वारा। इस तरह के मत को ही अपुरुषेयवाद कहा जाता है, इसीलिए वेद को अपुरुषेय कहा गया है और इसे ज्ञान का सर्वोच्च साधन के रूप में माना गया है। आज से लगभग 3,000 से 3,500 वर्ष पूर्व इन वेदों की रचना हुई ऐसा विद्वानों के द्वारा माना जाता है, जिसके आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास, वैदिक कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमको प्राप्त हो पाती है। वेद के अंतर्गत अगला बिंदु जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है वेद के प्रकार। वेद के कुल 4 प्रकार हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद के अंतर्गत ऋचाएं, ऋ से ऋचाएं, ऋग्वेद में ऋचाएं अर्थात वैदिक कालीन मानवों के द्वारा देवी देवताओं के स्तुति में जो मंत्र और सूक्त लिखे गए उनका वर्णन ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 अध्याय या मंडल, 1,028 सूक्तियाँ और 10,580 मंत्र उल्लेखित हैं। ऋग्वेद उस समय के ऋषि मुनियों के द्वारा प्रकृति का मानवीकरण कर जिन देवताओं की कल्पना की गई उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लिखे गए मंत्रों का वर्णन है। ऋग्वेद में कुल 10 अध्याय हैं। इसके 10वें अध्याय के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण के उत्पत्ति का सिद्धांत है। ऋग्वेद के पश्चात जो दूसरा वेद है वह वेद है सामवेद। सामवेद में स, स से है संगीत। ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति के लिए जो मंत्र लिखे गए उन्हीं मंत्रों को गायन के प्रयोजन से सुर संगीत में ढाला गया, जिसे सामवेद में समाहित किया गया। इसमें कुल 72 मंत्र हैं। यह पद्यात्मक शैली में है। सामवेद के पश्चात तीसरा वेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद के विषय वस्तु को यजुस कहा जाता है। मैं सभी के प्रथमा अक्षर से आपको कनेक्ट करते जा रहा हूँ। ऋग्वेद से ऋ, ऋचाएँ, ऋचाएँ के अंतर्गत मंत्र और सूक्तियाँ हैं। सामवेद के अंतर्गत श से संगीत, जिसमें ऋग्वेद के मंत्रों को गायन के प्रयोजन से सुर संगीत में ढाला गया है। तीसरा यजुर्वेद में य, य से यजुस, यजुस के अंतर्गत यज्ञ करने की विधियाँ, कर्मकांड, याज्ञिकों का पथ प्रदर्शन एवं अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। तीसरा वेद अथर्ववेद, अथर्ववेद के अंतर्गत अनार्य मान्यताएं हैं। अनार्य मान्यताएं कहने का मतलब जो आर्यों के मान्यताएं के विपरीत थी। ऋग्वेद के मूल निवासियों को हम आर्य के रूप में जानते हैं, जिनकी मुख्य विषय वस्तु जो साहित्य में हमको मिलती है वह या तो धार्मिक है या दार्शनिक है। अथर्ववेद में जो विषय वस्तु हमको प्राप्त होता है उसमें जादू, टोने, तंत्र, मंत्र तथा चिकित्सा विधियों का वर्णन है, जो 3 वेदों से हमको अलग ज्ञात होता है, इसलिए इसे अनार्य मान्यताएं के रूप में कहा गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के रूप में भी जाना जाता है। इन 4 वेदों में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है, परंतु दार्शनिकों के हिसाब से इन 4 वेदों में ऋग्वेद ही प्रधान और मूल है।
दार्शनिकों ने ऋग्वेद को मूल और प्रधान कहने के पक्ष में दो महत्वपूर्ण कारण बताए हैं। पहला कारण यह कि समस्त जो वेदों का विषय वस्तु है उसका सार ऋग्वेद है, और दूसरा इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसीलिए दार्शनिकों ने ऋग्वेद को ही मूल और प्रधान वेद के रूप में परिभाषित किया है। इन प्रत्येक वेदों का चर्चर भाग फिर होता है, जिसे हम वेदों का भाग कहते हैं। तो अगला जो बात मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं वो है वेद के भाग। हम इसको उस साइड लिखकर समझते हैं, फिर आपको कनेक्ट करते हैं। उपनिषद पर आने से पहले हम वेदों के भाग पर बात करते हैं। वेदों के भाग, अगला जो बात जिस विषय पर हम करने जा रहे हैं वह है वेदों का भाग। प्रत्येक वेद के मूल रूप से तीन भाग माने गए हैं, परंतु एक भाग के और एक खंड हो जाने के कारण वेदों का भाग को चार रूप में दार्शनिकों ने परिभाषित किया है। प्रत्येक वेद के चार भागों में पहला जो भाग है उस भाग को हम कहते हैं संहिता, दूसरे भाग को हम कहते हैं ब्राह्मण, और तीसरे भाग को हम कहते हैं आरण्यक, और चौथा भाग जो होता है उसे हम कहते हैं उपनिषद, या इसे ही कहा जाता है वेदांत। प्रत्येक वेद का, चाहे वह ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, या अथर्ववेद हो, इन चारों वेदों के चार भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक साहित्य का जो प्रथम खंड है उसे संहिता कहा जाता है। इसके अंतर्गत मंत्र और सूक्त का वर्णन है, और चूंकि इसका वर्णन पोएट्री शैली में है इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो विषय वस्तु की शैली है वह पद्यात्मक है। संहिता में जिन मंत्र या सूक्तों का वर्णन किया गया है उन्हीं मंत्र या सूक्तों की व्याख्या ब्राह्मण में की गई है, अर्थात ब्राह्मण संहिता का शास्त्रोक्त एवं सैद्धांतिक व्याख्या है। संहिता पद्यात्मक शैली में मंत्र और सूक्तियों का वर्णन है, जबकि ब्राह्मण उन्हीं संहिता के मंत्र और सूक्तियों का शास्त्रोक्त एवं सैद्धांतिक व्याख्या है। चूंकि शास्त्रोक्त एवं सैद्धांतिक व्याख्या है अतः ब्राह्मण की जो शैली है वह गद्यात्मक है, क्योंकि इसे व्याख्यात्मक तौर पर समझाया गया है। ये मूल तौर पर मैंने कहा कि वेदों के तीन भाग संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद हैं, परंतु ब्राह्मण से ही आरण्यक नामक भाग की उत्पत्ति होती है, इसलिए वेदों के चार भाग परिभाषित किए गए हैं। ब्राह्मण का जो अंतिम खंड होता है उसे हम आरण्यक कहते हैं। ब्राह्मण के अंतिम खंडों में जीवन के उच्चतर मूल्य एवं आध्यात्मिक बातों की व्याख्या की गई है। ब्राह्मण के अंतिम खंडों में जीवन के उच्चतर मूल्य और आध्यात्मिक बातों की व्याख्या की गई है, और इन बातों का पठन पाठन को वनों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर निषिद्ध किया गया है, इसीलिए इस खंड का नाम आरण्यक पड़ा हुआ है। अर्थात ब्राह्मण का अंतिम खंड जिसमें जीवन के उच्चतर मूल्यों और आध्यात्मिक पहलुओं की व्याख्या हो वह आरण्यक कहलाता है, और इस प्रकार से आरण्यक वेद का तृतीय खंड या तृतीय भाग के रूप में जाना जाता है। और वेदों का जो चौथा भाग है वह चौथा भाग उपनिषद कहलाता है, और चूंकि यह वेदों का अंतिम भाग है इसीलिए हम इसे वेदांत भी कहते हैं। वेदों का अंतिम भाग है इसीलिए हम इसे वेदांत भी कहते हैं।
मैंने शुरू ही आपको शुरुआत करते समय कहा था कि हम दो विषय वस्तु पर बात करेंगे, एक द फिलॉसफी ऑफ वेदास और सेकंड द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद। तो मैं इस तरह से आपको अब उपनिषद की कड़ी से कनेक्ट कर रहा हूँ कि वेदों का जो अंतिम भाग है वही उपनिषद कहलाता है, और चूंकि यह वेदों का अंतिम भाग है इसीलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। मैं एक बार फिर से सही तौर पर रिपीट करूं कि प्रत्येक वेद के चार भाग हैं। पहला वेद संहिता है, पहला भाग संहिता है जिसमें मंत्र और सूक्तियों का पद्यात्मक शैली में वर्णन है। दूसरा भाग ब्राह्मण है जिसमें उन्हीं मंत्रों और सूक्तियों का शास्त्रोक्त एवं सैद्धांतिक व्याख्या किया गया है, अतः इसकी शैली गद्यात्मक है। और तीसरा भाग अरण्यक है जिसमें जीवन के उत्तर मूल्यों और आध्यात्मिक पहलुओं की व्याख्या की गई है, इसलिए इसे अरण्यक के रूप में परिभाषित किया गया है क्योंकि इसका पठन पाठन केवल वनों में ही संभव है। चौथा भाग वेद का चौथा भाग उपनिषद कहलाता है जिसे वेदांत भी कहते हैं। चूंकि वेदों का जो सार शिक्षा या जो ज्ञान का भंडार है वह उपनिषद में है, इसीलिए उपनिषदों को ज्ञान कांड के रूप में भी परिभाषित किया गया है। उपनिषद में जन्म पुनर्जन्म यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड सभी बातों की तार्किक व्याख्या की गई है, अर्थात उपनिषदों में वेद में किए गए जितने भी शब्द का वर्ण व्याख्या किया गया है उनकी तार्किक ढंग से व्याख्या की गई है। इसीलिए उपनिषद को सभी प्रकार के शिक्षाओं का सार या ज्ञान का भंडार के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। उपनिषद के दर्शन को समझाने से पहले अब मैं उपनिषद की शाब्दिक व्याख्या करता हूं। उपनिषद के शाब्दिक व्याख्या में यह तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला उप, धन नी, धन सद, इन तीन शब्दों के संयोजन से उपनिषद शब्द का निर्माण हुआ है। उप का शाब्दिक अर्थ है निकट, नी का शाब्दिक अर्थ है श्रद्धा, और सद का तात्पर्य है बैठना। सद का तात्पर्य है बैठना। इस प्रकार उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है किसी भी व्यक्ति या शिष्य के द्वारा गुरु के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है किसी भी व्यक्ति या शिष्य के द्वारा गुरु के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसीलिए उपनिषद के संबंध में अलग अलग दार्शनिकों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है। उपनिषद को दार्शनिक डायसन ने कहा है कि यह एक रहस्यमयी उपदेश है। डायसन नामक दार्शनिक ने इसे कहा है रहस्यमयी उपदेश, जबकि शंकर ने कहा है, शंकराचार्य ने कहा है कि उपनिषद ब्रह्म ज्ञान है। उपनिषद ब्रह्म ज्ञान है। इस प्रकार से अभी हमने वेद के प्रकार, वेद के भाग और उपनिषद को समझा, पर मूल तत्व यह है कि वेद और उपनिषद में संबंध क्या है, उनमें अंतर क्या है, वेद के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, जिस पर हम पे मेंस में सवाल किए जा सकते हैं। वेद के अध्ययन के संबंध में मूल जो बात हमको समझनी चाहिए उसको ध्यान से समझिएगा, मैं उसको बिंदुओं में करता हूँ। शायद आपके मेंस में प्रश्न भी आए कि वेदों के अध्ययन की आवश्यकता क्या है। तो अब हम, यदि आपने वेद के दर्शन और उपनिषद के दर्शन को एक प्रामाणिक तौर पर समझ लिया हो, तो हम वेद के अध्ययन की आवश्यकता क्या है, वेद और उपनिषद में मुख्य तौर पर क्या संबंध है और क्या अंतर है, इस पर हम विचार करते हैं।
अब हम वेदों के अध्ययन की आवश्यकता, वेदों के अध्ययन की आवश्यकता, चूंकि यह मेंस का विषय है इसलिए मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह सारी चीज़ें समझा रहा हूं या इस पर चर्चा कर रहा हूं कि आखिर हमें वेदों की अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। सर्वप्रथम फर्स्ट बात कि वेद ज्ञान के स्रोत हैं और ज्ञान के विकास हेतु इनके अध्ययन की आवश्यकता है। वेद, मैंने पहले ही कहा कि वेद न सिर्फ भारत के अपितु संपूर्ण विश्व के सबसे प्राचीनतम साहित्यों में से एक हैं जिन्हें ज्ञान का भंडार माना जाता है। तो अतः हमें ज्ञान के विकास के लिए हमें वेदों के अध्ययन की आवश्यकता है। यह हमें दो प्रकार के ज्ञान से अवगत कराते हैं, पहला लौकिक ज्ञान और दूसरा अलौकिक ज्ञान। अर्थात हमें इस भौतिक जगत से परे परलौकिक जगत का भी ज्ञान हमें वेदों से हो पाता है, अतः ज्ञान के विकास के लिए वेदों के अध्ययन की आवश्यकता है। दूसरा बात, यदि हमें भारतीय इतिहास में उसके दार्शनिक और धार्मिक पक्ष को समझना है, भारतीय इतिहास के धार्मिक पक्ष को समझना है या उसके दार्शनिक पक्ष को समझना है, तो इस हेतु भी वेदों का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि वेद भारतीय इतिहास के शुरुआती साहित्यों में से एक है। इसलिए भारतीय साहित्य इतिहास के धार्मिक और दार्शनिक पक्षों के अध्ययन हेतु भी हमें वेदों के अध्ययन की आवश्यकता है। तीसरी बात, हिंदू धर्म के विशेष ज्ञान के लिए या हिंदू धर्म के विशेषताओं के अध्ययन के लिए, हिंदू धर्म के विशेष ज्ञान हेतु भी हमें वेदों की अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि वेद हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख साहित्य हैं या ऋण हैं। इसलिए हमें हिंदू धर्म के विशेष ज्ञान के लिए हमें वेदों के अध्ययन की विशेष आवश्यकता है। चौथा प्रमुख पॉइंट, चूंकि मैंने बताया कि अब प्राचीनतम साहित्य है, तो प्राचीनतम साहित्य है अर्थात यह प्राचीनतम मानवों के मानसिक विचारों को भी प्रकट करता है। आज से 3500 वर्ष पूर्व यह साहित्य लिखा गया, तो तत्कालीन समय में जो प्राचीनतम मानव थे, जिसे हम आदिम मानव के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, तो उस समय के प्राचीनतम मानवों के मानसिक स्थिति को या उनके जीव जगत संसार के संबंध में विचारों को समझने के लिए भी वेद के अध्ययन की आवश्यकता है। इसीलिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने वेद को परिभाषित करते हुए ही कहा था कि वेद मानव मन में प्रादुर्भूत विचारों का एक प्रामाणिक ग्रंथ है, अतः तत्कालीन समय के मानवों के विचारों को समझने के लिए भी इसकी अध्ययन की आवश्यकता है। अगला विषय वस्तु जिस पर हम विशेष रूप से चर्चा करना चाहते हैं कि वेद और उपनिषद में अंतर क्या है या उनके बीच संबंध क्या है, जो मेन तौर पर आपको CGPSC मेंस में एक प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है। तो वेद और उपनिषद में संबंध या उनके बीच अंतर, वेद एवं उपनिषद में संबंध, मैं यहाँ पर समानता और असमानता दोनों पे बात करूँगा, या इसे आप संबंध ना कह के आप इसे भेद के रूप में भी देख सकते हैं। वेद हिंदू धर्म का सबसे प्राचीनतम साहित्य है, जबकि उपनिषद उसी वेद का चौथा भाग या अंतिम भाग है। वेद और उपनिषद में पहला संबंध यह है कि वेद भारतीय इतिहास में हिंदू धर्म का सबसे प्राचीनतम साहित्य है, जबकि उपनिषद उसी वेद का अंतिम भाग है। वेद का जो आधार है, पहला अंतर शायद आप लोग को यह विदित हुआ हो यदि मैं इसको कॉलम बना करके समझा दूं, एक तरफ मैं वेद लिख देता हूं, दूसरी तरफ मैं उपनिषद लिख देता हूं। मैं इसको तथ्यात्मक तरीके से आपको लिखते चलता हूं, आप समझते चलिएगा। पहला पॉइंट ये कि यह हिंदू धर्म का प्राचीनतम साहित्य है, जबकि उपनिषद वेद का अंतिम भाग है।
वेद का अंतिम भाग। दूसरा पॉइंट, वेद का जो आधार है वह ज्ञान है, सॉरी वेद का जो आधार है वह कर्म है, और उपनिषद का जो आधार है वह ज्ञान है। इसीलिए हमने उपनिषद को ज्ञान कांड भी कहा है, क्योंकि यह ज्ञान से परिपूर्ण है और वेदों के शिक्षाओं का सार है। इसीलिए वेदों का जो आधार, उपनिषद का जो आधार है वह ज्ञान है, और वेदों का जो आधार है वह कर्म है। तीसरा बात, वेद का जो विषय वस्तु है वह बहिर्मुखी है। वेद का विषय वस्तु बहिर्मुखी है, परंतु उपनिषद का जो विषय वस्तु है वह अंतर्मुखी है। वेद के लिखने वाले ऋषि और उपनिषद को लिखने वाले ऋषि मुनि में एक लंबा समय का अंतराल दिखाई पड़ता है, जिसके आधार पर हम इसके चौथे संबंध या अंतर को समझ पाते हैं। वेद के जो रचयिता हैं या जो ऋषि हैं, वो जीवन के भोग और ऐश्वर्य के प्रति जागरूक थे। भोग एवं ऐश्वर्य के प्रति जागरूक थे, जबकि उपनिषद के जो रचनाकार हैं वह इनके प्रति जागरूक नहीं थे, जागरूक नहीं थे। मैं फिर से एक बार रिपीट करूं कि वेद हिंदू धर्म का प्राचीनतम साहित्य है, जबकि उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। वेद का आधार कर्म है, उपनिषद का आधार ज्ञान है। वेद बहिर्मुखी है, विषय वस्तु से परिपूर्ण है, जबकि उपनिषद की विषय वस्तु अंतर्मुखी है। वेद के रचयिता या ऋषिगण जीवन के भोग एवं ऐश्वर्य के प्रति जागरूक थे, जबकि उपनिषद के ऋषिगण भोग और ऐश्वर्य के प्रति जागरूक नहीं थे। इसके पश्चात जो अंतिम बात जो मैं करना चाहूँगा वह है उपनिषद का महत्व, कि वर्तमान में उपनिषद का महत्व क्या है। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपनिषद के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। उपनिषद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि उपनिषद के लिखे जाने के पश्चात भारत में जितने भी संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे बौद्ध धर्म, शंकराचार्य का संप्रदाय, रामानुजाचार्य का संप्रदाय, शंकराचार्य की ब्रह्म की अवधारणा, बौद्ध धर्म में अनात्मवाद क्षणिकवाद की अवधारणा, मायावाद की अवधारणा, इन सभी अवधारणाओं में हमें उपनिषदों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि विश्व का समस्त ज्ञान अंतिम रूप से उपनिषद में जाकर के निहित होता है। प्रोफेसर रनाडे ने उपनिषद के महत्व को परिभाषित करते हुए कहा था कि उपनिषद एकमात्र ऐसा साहित्य है जहां पर धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक तीनों प्रकार के ज्ञानों का समावेश है। अरविंद, विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे दार्शनिकों ने भी उपनिषद को एक वैश्विक ग्रंथ के रूप में स्थापित करने हेतु अपना प्रयास किया और इसकी व्याख्या भी की। अतः उपनिषद के महत्व पर हम अंतिम बात यह कह सकते हैं कि उपनिषद एकमात्र ऐसा साहित्य है जो भारतीय दर्शन के आध्यात्मिकता का मूल और आधार होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक आधार पर तथा तार्किक आधार पर उसके विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करता है। वेद और उपनिषद के संबंध में एक सामान्य परिचय के पश्चात हम अपनी अगली क्लासेस में मैं से संबंधित रित, ब्रह्मा और आत्मा संबंधी विचारों पर हम चर्चा करेंगे। यह क्लास CGPSC मेंस और प्री दोनों के लिए आपको सहयोग प्रदान करेगा। मैं चाहता हूं कि आपको इन्हीं विषयों से संबंधित और इसी तरह से महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करना हो तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को टिक करें।